हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, आपके इस वर्ष आयोजित होने वाले पीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एवं यूजफुल साबित होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 की स्थिति में भारत में रामसर नम भूमियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सात 39, 42, 46 और 47। तो आपको याद रहना चाहिए ये करंट का क्वेश्चन है और 46 प्लस 1 टोटल 47 नाउ रामसर वेटलैंड के नंबर्स हो चुके हैं। और जो 4 प्लस 1 मतलब टोटल 5 ऐड हुए हैं, ये भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ये जो जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाने वाले नम भूमियों को रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है और इनकी संख्या भारत में 47 है। तो 47 में देखिए याद रखिएगा, जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें 2 गुजरात के हैं, 2 जो है आपके हरियाणा के हैं, 2 हरियाणा के हैं और प्लस 1 जो है एक यूपी का है। ठीक है, एक क्या है यूपी का है। तो यहाँ पे गुजरात से संबंधित जैसे याद रखें तो वाधवाना वेटलैंड। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे थोल वन्यजीव अभ्यारण्य या थोल आपका सेंचुरी लिख सकते हैं, ये है आपका नेक्स्ट वन। देन ये दोनों जो है गुजरात के हो गए। फिर हरियाणा के है याद रख लेना, एक है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद है एक और जो फोर्थ वन में जो ऐड हुआ था, ये था आपका सुल्तानपुर ठीक है। ये आपका वेटलैंड जो है ऐड है। तो टोटल कितने हो गए, 42 थे तो उसमें 4 ऐड हुआ तो 46 हो गया। अब वन जो ऐड हुआ है यूपी का, इसका नाम है आप लिख लीजिए हैदरपुर। ये मेरठ के पास है स्थित है, तो मेरठ के पास स्थित जो है ये वेटलैंड है, ये 47th नंबर का ने लेटेस्ट वेटलैंड है याद रखना। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेटलैंड जो है बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि वो एक ट्रांजिशन जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, इकोटोन जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं जहां पे जैव विविधता जो है काफी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। डेंसिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी इज वेरी रिच। ठीक है, ये बातें सभी क्लियर हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत शामिल कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, 11, 12, 18, 19। आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे। भारत में टोटल कितनी आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। लेकिन यूनेस्को क्या करता है, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो इनमें भी से भी काफी ज्यादा और अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो उनको क्या है, वो खुद ही रेगुलेट या मैनेज करने की कोशिश करता है जो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो वो एक प्रोग्राम चलाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कुल आपके देश में बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अलावा जो है यानी उसी लिस्ट में से कुछ ऐसे चीजों को सिलेक्ट करता है, कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्ट करता है और उसे एमएबी के अंतर्गत शामिल कर लेता है जिससे कि वहां का संरक्षण और ज्यादा सुदृढ़ हो सके। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो है अगर 11 प्लस 1 हो चुके हैं यानी कि 11 थे, उसके बाद अब जो है 12th नंबर का जो है लेटेस्ट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका नंबर जो है टोटल कितना हो गया, 12 हो गया है। याद रखना ये एमएबी का है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का लिस्ट है, आउट ऑफ 18 में 12 आर इंक्लूडेड इन एमएबी लिस्ट। ये बात सभी क्लियर हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ब्लैक टाइगर्स भारत में कहां पाए जाते हैं? ब्लैक टाइगर को हम मेलिनिस्टिक टाइगर भी कहते हैं, याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल का क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को पहली बार इस प्रकार की चीजें जो है मिली है। और ये एकमात्र भारत में ऐसी जगह है ना, सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा है, सिमलीपाल यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क में यहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्या है, उड़ीसा में है। तो बी उड़ीसा इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन क्यूब 27 की मेजबानी कौन से राष्ट्र के द्वारा किया जाएगा?
आपको पता होगा COP26 जो है अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कहां पे हुआ है? ग्लासगो में हुआ है, ठीक है, ग्लासगो में हुआ है, ठीक, ये बातें आप याद रखेंगे। COP27 पूछा है, ऑप्शन सर ग्लासगो, तो ग्लासगो तो 26 हो गया, पेरिस, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात और फिर ब्राजील। यहाँ पे इसमें जो है ऑप्शन का मिस्टेक है, आप याद रखें यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, चलो मैं उसे बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे COP27 है, तो COP27 होने वाला है मिस्र यानी इजिप्ट में, ठीक है, कहाँ पे होने वाला है? इजिप्ट में होने वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये है ही नहीं, तो डी ऑप्शन आप इसी को मान के चलो, उस केस में ये सही उत्तर होगा। यहाँ पे एक यूनाइटेड UAE भी दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो जब यहाँ पे COP26-27 के बाद COP28 आता है, COP28 तो ईयर कौन सा हो जाएगा? 2023 हो जाएगा, तो इस केस में जो है इसका ऑप्शन आएगा यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक, ये बातें याद रखेंगे। COP26 ग्लासगो, 27 दैट इज इजिप्ट, और COP28 दैट इज UAE, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें सभी क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुमेलित नहीं है, करेक्टली नॉट मैच्ड, राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 106, वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या 566, टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 51 और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या 40। सो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आप याद रखें, ये बहुत करंट का है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है 106 टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क वर्तमान में भारत में हो चुके हैं, तो जो दो नए जो शामिल हुए हैं उसे याद रखना, दोनों ही असम का है, असम का जो है बोडोलैंड क्षेत्र है, ठीक है, बोडोलैंड क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क बने हुए हैं, एक है रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, और दूसरा है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये दोनों ही क्या है आपके आसाम में आते हैं, असम में आ जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे आप, ठीक। इसके बाद वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या 566 हो चुकी है, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, आपको याद रखेंगे, जैसे इसमें संरक्षित क्षेत्र है दोनों ही, कौन सा नेशनल पार्क और आपका दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अगर इन दोनों में जो है ज्यादा एरिया कौन सा कवर करता है, इनके नंबर्स ज्यादा है 566, तो अराउंड 3% से भी ज्यादा है ये, और 1.5% के आसपास जो है 106 जो है आपका नेशनल पार्क कवर करता है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद टाइगर रिजर्व की कुल संख्या फ्रेंड्स 51+1 हो चुके हैं, दैट इज 52, ठीक, और 52 नंबर का जो है आपका टाइगर रिजर्व है वो है रामगढ़ विषधारी, ये कहाँ पे है? राजस्थान पे है, नया आपका टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की कुल संख्या 40, ये भी करेक्ट है 40, तो इसमें ऑप्शंस कौन सा गलत है? सुमेलित नहीं है, तो सी इसका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इनके नंबर्स गलत थे, तो 40 यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है इसमें 40 है, तो 40 जो है देखिए ये तीन अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, उसे सूचित करते हैं, एक है सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, ठीक है, कल्चरल की वर्तमान संख्या कितनी है? 32 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो शामिल किया गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं आपका 32 हुआ, उसके बाद जो है प्राकृतिक, तो हमारा इन्वायरमेंट के एंगल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक को, तो प्राकृतिक की संख्या कितनी है? 7 हो गई है, तो टोटल 40 है, ये 39 हो चुके हैं, तो बचा हुआ लास्ट वाला क्या होगा? मिश्रित श्रेणी में, मिक्स्ड सीरीज में ये क्या है आपका? 1। तो ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अगर आप यहाँ 7 भी नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार, पहला तो है ग्रेट हिमालय है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आप यहाँ पे याद रख सकते हैं काजीरंगा है नेशनल पार्क, ये किसमें? प्राकृतिक सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक, पहला ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उसके बाद देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक, ये बात सभी क्लियर हुई। उसके बाद देखते हैं आपका मानस नेशनल पार्क, उसके बाद देखते हैं आपका दैट इज नंदा देवी
नंदा देवी नेशनल पार्क कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखते हैं टोटल 7 है। इसके बाद आप देखते हैं दैट इज सुंदरबन, सुंदरबन ठीक, और उसके बाद लास्ट जो होता है वेस्टर्न घाट ठीक। तो ये टोटल 7 हो चुके हैं प्राकृतिक श्रेणी में। प्राकृतिक श्रेणी में मैं रिपीट करूंगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवला देवी नेशनल पार्क, मानव नेशनल पार्क, नंदा देवी है ना, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सुंदरवन, उसके बाद वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, ऐसे करके टोटल 7 है। तो ये मिश्रित वाला भी याद रखेंगे, कंचनजंगा, कंचनजंगा को दोनों ही सीरीज में लिया गया है, इसे साकृत इसमें भी शामिल किया था, इसमें भी, मतलब ये मिश्रित श्रेणी में है। तो इस प्रकार टोटल संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। ये बात सभी क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको कि भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना प्रारंभ की है, वल्चर्स की बात की जा रही है, 2010, 2015, 2015-20, 2020-25 और ऑल ऑफ द एबव। तो गिद्धों का संरक्षण इसे वल्चर कहा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इस एनवायरमेंट को बैलेंस करने में विशेष भूमिका में होते हैं जो अन्य कोई नहीं कर पाता। इसे इनको हम एक विशेष नाम से जाना जाते हैं, कहते हैं जिसे हम कहते हैं स्कैवेंजर्स, अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए चीजों को क्या कर देते हैं, खाते हैं, और वो डिकम्पोज नहीं होकर सीधा मरे हुए चीजों को ही खाते हैं, और वहां पे स्कैवेंजर या अपमार्जक की विशेष भूमिका में होते हैं जो सभी प्राणी नहीं हो सकते, इस बात को याद रखेंगे। तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने वैसे तो 2006 से ही बहुत सारी चीजें प्रयास करना चालू कर दिया था, लेकिन जो कार्य योजना की बात की जा रही है यहाँ पे, जो एक्शन प्लान की बात की जा रही है, वो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 से 25 तक का जो है ऐसा जो है कार्य योजना प्रारंभ किया गया है, जो 8 अलग अलग क्षेत्रों में, भारत में 8 अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे पाए जाते हैं ठीक है, जैसे कि आप हरियाणा रीजन, भोपाल रीजन है ना, ऐसे करके टोटल 8 रीजन में यहाँ पे इस कार्य योजना को प्रारंभ किया गया है ताकि उनका संरक्षण कंजर्वेशन हो सके। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर। 7 पारसी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक है ना 2021 से लेकर 30 का थीम था क्या है? देखो 2021 से लेकर 30 का जो थीम है, यानी करंट का पार्ट आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका थीम था? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस तो यहाँ पे इसका संबंध नहीं नजर आ रहा है। बचे हुए 3 चीजों में विश्व आर्द्र भूमि दिवस में इसका है कि आर्द्र भूमि और जल, आर्द्र भूमि और जल, ये क्या है वर्ष 2021 का क्या है आपका वेटलैंड का थीम है ठीक। और विश्व जैव विविधता दिवस की जब बात किया जाता है तो यहाँ पे इसका थीम अलग है ठीक है, इसका थीम अलग है, उसे हम आगे वाले क्वेश्चंस में कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये भी उत्तर नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस में ये है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक ठीक है, ये है आपका वर्ष 2021-30 में का जो थीम है वो वर्ल्ड पर्यावरण डे 5 जून को मनाया जाता है, इस दिन ये थीम जो है घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये बातें याद रखना, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 को कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। अभी हमने पढ़ा 52 टोटल हो चुके हैं, तो 51+1 में जो 1 क्या था, क्या शेषाचलम था? नो। रामगढ़ विशेषधारी, यस यही था, राजस्थान से है, मैंने बताया था राजस्थान से। इसके बाद मानस वन ये तो बाकी है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन सुमेलित है, करकली मैच डिस, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं, है ना, ये आपको एक पूछा है। दूसरा, वर्ष 2011 से 20 का दशक जैव विविधता का दशक है, या वर्ष 2021 से लेकर 30 का दशक सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक है ना, ये पूछा है, और डी ऑप्शन है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव है। तो यहां पे देखिए ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, इसमें सभी के सभी उत्तर आपके करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा। 2021 में जैव विविधता की थीम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ठीक है, हम समाधान का हिस्सा है, ये आपका थीम है, याद रखेंगे ठीक है। 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन इसकी क्या है घोषणा की गई थी। उसके बाद 21 से 10 11 से लेकर 2020 का दशक ये पीएससी में पूछ चुका है, जैव विविधता का दशक है, डिकेड ऑफ बायोडायवर्सिटी।
और वर्ष 21 से 2030 का जो दशक है यहाँ पे सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक है। और आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पे इस दशक को एक और नाम से भी हम कह देंगे, उसे जो है सेम नाम से कह देते हैं कि हम इस बीच में इकोसिस्टम को रीस्टोर करेंगे, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली करेंगे। तो या इससे पहले हमने पढ़ा था उसे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है कि 2000 जो है आपका ये जो समय है दैट वी कॉल्ड 2021 से लेकर 2030 तक का समय जो है दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए यहाँ पे घोषित किया गया है, जिसमें कि एक क्या है महासागर विज्ञान दशक है, दूसरा इकोसिस्टम से संबंधित है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वायुमंडल में अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे वायुमंडल के अलग अलग जो परत हैं उसे कैसे याद रख सकते हैं, TSMTE यहां याद रख सकते हैं। कैसे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल है ना, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम दो प्रकार के ओजोन पढ़ते हैं, ओजोन एक होता है, ओजोन का फॉर्मूला ये होता है O3, और ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, आप सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये क्या होती है, कहाँ पे होता है ये, जब ये क्षोभ मंडल में होता है तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है, जो पृथ्वी के जो है आपका इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने में क्या करता है, भूमिका में होता है। और मतलब ग्रीन हाउस गैस है, एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए तो सही माना जाएगा, लेकिन ज्यादा ही ये गर्म हो जाएगा तो ग्लेशियर्स पिघल जाएगा, फिर ओशन या समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा जिससे कि तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव जो है रोल में, इसलिए इसे बैड ओजोन कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बात पूछी जा रही है अच्छा ओजोन, तो अच्छा ओजोन ये है जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो है क्षोभ मंडल के बाद जो जब समताप मंडल आता है तो वहां पे क्या होता है, अम्ब्रेला साइप सेप का कह सकते हैं, या फिर कहें एक आवरण बना लेता है ओजोन गैस का, और ओजोन परत का जो है निर्माण करता है, ओजोन लेयर का निर्माण करता है, जो सन रेस में आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेस परावैज्ञानिक विकिरणों को ये क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव रोल में है। तो अच्छा ओजोन का मतलब क्या है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाने वाला ओजोन, जो केवल 90% ओजोन कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और केवल 10% कहाँ पाया जाता है, आपके ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कहां पे पाया जाएगा, यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फीयर, देखिए ऑप्शन है क्या, यस सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी जल स्रोत में जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है तो क्या होगा, क्या है भाई बताओ, जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप सभी पढ़े होंगे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि किसी भी जल स्रोत में, किसी भी जल स्रोत में जितने भी जो है कार्बनिक पदार्थ हैं इनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। इसका संबंध होता है BOD का संबंध होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ DO, डिजोल्व ऑक्सीजन। ध्यान देंगे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमने कहा BOD का मतलब किसी भी जल स्रोत में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन, बायोकेमिकल डिकम्पोज होने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है दैट वी कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन यहाँ पे हम एक और टर्म सुन रहे हैं कि DO, जैसे आप पानी पीते हैं, पानी में भी ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व है, घुला हुआ है, ऐसे जल स्रोत में कोई और भी दूसरे प्रकार के स्पीसीज हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, उनको भी तो क्या है ऑक्सीजन चाहिए। तो जब किसी जल स्रोत में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली होती है तो वहां पर रहने वाले जीवों के लिए वो अनुकूल यानी कि फेवरेबल कंडीशंस बनती है। तो जो है हम ह्यूमन बींग के केस में लें या किसी भी एनिमल के केस में लें, अगर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा जो है वो लिक्विफाइड है यानी कि घुला हुआ है, उस केस में हम ये कहेंगे कि वो पानी ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि किसी का डिजॉल्व, जैसे कि हम याद इसका वैल्यू देख लीजिए, 8 mg/L अगर इसका जो है इसमें घुला हो, पर लीटर के पीछे 8 mg घुला हो ऑक्सीजन, तो वो क्या है एक अच्छा पानी माना जाएगा। उससे 8 से 9, 10, 11 जाए तो और अच्छा पानी कहा जाएगा, लेकिन 8 से लेके आप नीचे रिड्यूस होते जाए, मान लो 4 तक आ गए, ये कंटामिनेटेड या फिर पॉल्यूटेड वाटर कहलाएगा,
प्रदूषित जल कहलाएगा। तो डिजोल्व ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो ये डीओ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो बीओडी ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी बीओडी मांग बढ़ जाती है पूछा है, तो क्या साफ पानी होगा, क्या बीओडी बढ़ रहा है मतलब घुलित ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, नॉन फेवरेबल कंडीशन बन रही है। तो बीओडी इंक्रीज मतलब डीओ डिक्रीज, और डीओ डिक्रीज मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, दैट मींस पॉल्यूटेड वाटर। क्लियर हो गया, ये बात सभी क्लियर हुई। इसका उल्टा भी कर सकते हो, सोचो आप मान लो डीओ बढ़ाओ, डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ाओ, तो बीओडी कम हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, मतलब पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो जैव राशि में अपघटन हो ही नहीं सकेगा क्योंकि वहां पे अनुकूल परिस्थितियां हैं। ये बात सभी क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रदूषित पानी पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे देखिए भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, आप 2 से 3 दिसंबर 1984 को ही क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें कि एक गैस सीक्रेट हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिक गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पे बताइए मिक गैस को फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, साइनेट। तो ये है आपका उत्तर, तो सी इज द राइट आंसर, मिक गैस भी से कह देते हैं, याद रखना ये साइनेट है, टमाटर किटा वाला, साइनाइड नहीं है, ठीक, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए इसमें अगर आप देखते क्या क्या है, तो पहला याद रखेंगे परसेंटेज प्रीवियस के एग्जाम में पूछा जा चुका है पीएससी में, तो जहां पे यहां पे नहीं है पूछा है मतलब क्या है, यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक 60% इसका योगदान होता है, मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4 का योगदान होता है 20%, इसके बाद यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान होता है दैट इज 14%, उसके बाद देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O का जो होता है ये होता है 6%, ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या है 60, 20, 80 और 94, पूरा 100 हो गया है, लेकिन अल्प मात्रा में आप SO2, NO2 आदि को भी लिख सकते हैं, ठीक, अल्प मात्रा में 0 समथिंग% हो सकता है विशेष परिस्थितियों में। और याद रखेंगे आपको जब भी वाटर वेपर या जल वाष्प भी दिखे तो ये भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, याद रखेंगे, ठीक। तो यहां पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यही उत्तर है, और नाइट्रस ऑक्साइड डी, ठीक, तो सी इसका राइट आंसर है। ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, करेक्टली नॉट मैच्ड, अ पिको मोमेंट, पांडुरम हेगड़े, यस इट इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, उसके बाद चिपको मोमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा साहब, वर्ष 2021 में COVID-19 के कारण जो रेनाउंड एनवायरमेंटल जो है साइंटिस्ट है या पर्यावरणविद जो है ये इनका जो है डेथ हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के हिसाब से बन सकता है, क्योंकि एक बहुत शानदार शख्सियत थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, और इन्होंने चिपको आंदोलन यानी जो पेड़ होता है, पेड़ की जो है पेरीफेरी यानी कि उसका जो व्यास होता है उसको आलिंगन करके इस प्रकार एक प्रतीकात्मक मैसेज इन्होंने दिया था, जिसके बाद जो है एक इनकी काफी प्रशंसा की गई थी और एक जन जागरण फैला था कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, न केवल एनवायरनमेंट के लिए बल्कि हम सभी के लिए, तो इन पेड़ों को मत काटिए, ऐसा प्रतीकात्मक संदेश दिया गया था किनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के साहब के द्वारा दिया गया था 1971 के आसपास जो है उत्तराखंड में इनका जो है आंदोलन चला था, याद रखेंगे। अब पिको मूवमेंट वैसे ही क्या, साउथ का चिपको मूवमेंट कहा जाता है, दक्षिण भारत का चिपको मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, उसका नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, ये भी करेक्टली मैच्ड है, और साइलेंट वैली मूवमेंट देखो केरल की स्थानीय लोग और फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान के जनक कौन है, पक्षी विज्ञान के जनक डॉक्टर सलीम अली को जो है कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया,
तो यहां पे क्या है, ये जो है गलत ऑप्शन है। तो ये बाबा आमटे का भी योगदान किसमें था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में था। इवन आप अरुंधति राय को भी लिख सकते हैं इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में, जो नर्मदा नदी पर बन रहे बांध की ऊंचाई को उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने को लेकर जागरण या फिर उनका आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट वैली किन के लिए के बीच था, स्थानीय लोग और डॉक्टर सलीम अली के नेतृत्व में लड़ा गया था। साइलेंट वैली भी बहुत ही शांत या बहुत ही साइलेंट क्षेत्र है, यहाँ पे फ्लोरा और फौना पे डिस्टर्बेंस बहुत कम किया गया है। और यहाँ पे याद रखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र है, तो वैसे ही क्या बहुत सारे अनटच्ड एरिया है वहां पे, जो वहां पे लाइक फ्लोरा फौना पे डिस्टर्बेंस बहुत कम किया गया है, जिसके कारण वो काफी संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो उन क्षेत्रों में पर्यावरण की प्रति जो है लाइक जो क्षति पहुंचने की जो आशंका थी उसके विरुद्ध में क्या इन्होंने आंदोलन किया था, याद रखेंगे। उसका देखिए भारतीय पारिस्थितिक और पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम है। तो दिल्ली का इग्नू कैंपस है, उसके आसपास ही है। ठीक है, स्रोत के हिसाब से हम याद रखेंगे ये दिल्ली में ही स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये बात सभी क्लियर हुई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुमेलित नहीं है, करेक्टली नॉट मैच वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार याद रखेंगे 16 सितंबर 2021 को भारत ने किगाली जो एग्रीमेंट हुआ, देखो तीन एग्रीमेंट हुए हैं आपके ओजोन परत से संबंध, पहला है वियना कन्वेंशन, दूसरा है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और तीसरा है आप यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली एग्रीमेंट को जो है अनुसमर्थन या उनको सपोर्ट करने का जो इनिशिएटिव अभी वर्ष 2021 में लिया गया है, गत वर्ष के वर्ल्ड ओजोन डे के दिन। तो 16 सितंबर ये क्लियर हो गया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बहुत क्लियर है, सही है ये। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी करेक्ट मैच्ड है। विश्व वानिकी दिवस 5 मई, नौ, ये 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। क्लियर हुआ, तो इसका उत्तर क्या है, डी है। सुमेलित नहीं है, करेक्टली नॉट मैच वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 है क्या, नो इट इज 1972, तो उत्तर तो आपको शुरू में ही मिल गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। जल रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, यस, पहली बार जल प्रदूषण को लेकर जो नियम बना था वो 1974 में ही बना था। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981, तो बिल्कुल सही है ये भी। और वन्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी करेक्टली मैच्ड है। आपको याद रखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि जब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को लेकर सबसे पहली बार जो एक्ट बनाया गया था, तो वहां एयर पॉल्यूशन को लेकर नहीं बनाया गया था, पहले बनाया गया था वाटर पॉल्यूशन को लेकर, बाद में उसमें अमेंडमेंट भी किया गया। और वर्ष 1981 में इसमें क्या है, वायु प्रदूषण को जोड़ा गया, जबकि इसमें क्या 1974 से जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन ऑलरेडी बन चुका था एक्ट, इसमें अब क्या ऐड कर दिए हम, एयर को ऐड कर दिए। ये बात सभी क्लियर हो गई। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, फर्स्ट ही है ना, अब सुमेलित नहीं है तो ये 1972 एक्ट है। और इस एक्ट के थ्रू ही जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि बनाए जाते हैं, ये इसी एक्ट के थ्रू 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसीज है, सुमेलित है, नाइट्रेट, इटाइटाई, कैडमियम, मिनीमाटा, मरकरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक, ब्लैकफुट। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे, इसका क्वेश्चन देखिए, सुमेलित है पूछा है, तो नाइट्रेट से क्या होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम से क्या होता है, कैडमियम से इटाइटाई डिसीज होता है, और मरकरी से जो होता है मिनीमाटा डिसीज होता है। तो ये तो सभी जो है मिसमैच है, तो कौन सा सही होगा, आर्सेनिक ब्लैकफुट डिसीज है, जो क्या है, एक स्किन डिसीज है, ये बातें याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, स्मग, स्मग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो याद रखना फ्लाई ऐश तो पार्टिकुलेट मैटर कणिकी पदार्थ के रूप में आ सकता है, स्मग जो होता है वो द्वितीयक प्रदूषक है, याद रखेंगे द्वितीयक प्रदूषक है। और उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पॉल्यूशन ही निकलता, ये तो ग्रीन हाउस गैस है, प्रदूषण में योगदान जो है ये प्रत्यक्ष रूप से देता ही नहीं है, क्योंकि तो ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये योगदान देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण फैलाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जो जिस भी अवस्था में रिलीज होता है उसी अवस्था में यदि वो पॉल्यूशन फैलाए उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है आपका प्राथमिक प्रदूषक, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी प्राथमिक प्रदूषक,
लेकिन जब यही चीजें देखिए आप याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडलीय पानी के साथ जलवाष्प साथ रिएक्शन करेगा और एक नए प्रकार का जो है कंपाउंड बनाएगा, जैसे यहाँ पे H2SO4 बना रहा है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बना रहा है, नाइट्रिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये नए प्रकार के कंपाउंड बन रहे हैं और किसकी मदद से बन रहे हैं, प्राथमिक के साथ संयुक्त तो होके वो बन रहा है, और वो कोई बना नहीं रहा, ऑटोमेटिकली बन रहा है, और वो प्रदूषण की विशेष भूमिका में, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक प्रदूषक कहेंगे, जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ संयुक्त होके नए प्रकार के पोल्यूटेंट का निर्माण करता है, उसे हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, है ना, इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्मग जो होता है वो द्वितीयक प्रदूषक है, बाकी सब प्राथमिक है। ये बात सभी क्लियर हो गई। आगे देखते हैं हम यहाँ पे लाइकेन किसका सूचक है, लाइकेन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। याद रखेंगे लाइकेन उन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता जहां पे प्रदूषण हो, और कौन सा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। तो याद रखेंगे मॉस, मॉस क्या है, एक टेरिडोफाइटा है, और लाइकेन, लाइकेन सॉरी ब्रायोफाइटा है। तो लाइकेन मॉस वगैरह ये क्या है आपका, ये है आपका वायु प्रदूषण का जो है कारक होता है। वायु प्रदूषण मतलब इन क्षेत्रों में नहीं पाया जाएगा जहां पे मॉस और लाइकेन अगर प्रेजेंट हो, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं लाइकेन और मॉस जिस क्षेत्र में मिल रहा है वहां पे वायु प्रदूषण नहीं है, मतलब वो वायु प्रदूषण का सूचक है, इंडिकेटर है, मिल रहा है मतलब वायु प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए शहरों के बीच में नहीं पाए जाते, शहर के दूरस्थ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है, लाइकेन हो गया। उसका देखिए कौन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, किगाली समझौता। तो याद रखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको समझ आ सकती है। ओजोन परत से संबंधित तीन मैंने बताया था, पहला है वियना 1985 में हुआ था, उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, उसके बाद किगाली एग्रीमेंट 2016 में हुआ था। तो ये तीनों को ढूंढिए भाई, वियना, वियना यस, वियना फिफ्थ नंबर आ गया, उसके बाद देखते हैं क्या है, दैट इज मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल है क्या, यस थ्री नंबर आ गया, उसके बाद किगाली, किगाली देखते हैं सिक्स नंबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तीन पाँच और छः, तीन पाँच और छः, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं क्या है कार्टाजीना नागोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजीना क्या है, बायो सेफ्टी या जैव सुरक्षा से संबंधित होता है, से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था वो क्या है आपका, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक स्रोतों के मिसयूज को रोकने के लिए, आनुवांशिक स्रोतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो है नागोया प्रोटोकॉल, इस बात को आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं आज के सेशन का जो है लास्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए लास्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और है, सुमेलित कीजिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 जोहान्सबर्ग, नो पृथ्वी सम्मेलन 92 सही है लेकिन जगह है रियो डी जेनेरो, तो ये आपका जो है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन 2002 यार फिर भी यहाँ सही है, वाशिंगटन नहीं है, जोहान्सबर्ग है, तो जोहान्सबर्ग जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 3 2012 यार सही है, स्टॉकहोम नहीं है, ये रियो फिर से आ जाएगा, मतलब रियो, जोहान्सबर्ग, फिर रियो, इसे याद रखेंगे, ये तीनों जो है आपका इसका सीक्वेंस है। तो अब देखिए सही सुमेलित है क्या, 1 2 3 नहीं नहीं नहीं, कोई इनमें से कोई नहीं, ठीक, जो हमने यहां सही सुमेलित कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना की गाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी हमने पढ़ा क्योटो जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है और वर्ष 1997 में ये जो है सम्मेलन हुआ था। वियना, किगाली और मॉन्ट्रियल तीनों क्या है आपके, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित सम्मेलन है। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिहाज से यूजफुल था। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम आने वाले सत्र में या आने वाले लाइक लेक्चर के दौरान कुछ और नए प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शार्प करते चलिए, हमें खुशी होगी कि हम कुछ ऐसा इनपुट दे पाए जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो, ताकि आप ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएं। तो इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।